गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, जय श्री राम। भाई लोग गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि 9 बजे हैं और मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा कि मैं कैसा एक रील शूट करता हूँ और कितनी मुश्किलें हमें एक डेढ़ मिनट रील शूट करने में जाती है। लोकेशन की, फिर वहाँ पे क्राउड रहता है उसकी, फिर हमें कुछ अरेंजमेंट करने पड़ते हैं लाइक बच्चे, या फिर हमें कुछ गेटअप चाहिए, खून बनाना पड़ता है, जैसा भी स्क्रिप्ट रहता है ऐसा करना पड़ता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा हम लोग कैसे, अभी 9 बजे मैं निकल रहा हूँ, 9:30 तक शूट स्टार्ट होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली वो चलेगा 11:30-11 तक, फिर देखना आप कैसे होता है। और भाई आपको पता है मम्मी ने तो साफ मना कर दिया है निकिता के लिए, तो उसका भी कुछ जुगाड़ करना है। पहले रील शूट करते हैं, उसके बाद अपन निकिता के पास चलते हैं, कुछ जुगाड़ निकालते हैं कि कैसे मम्मी को मनाया जाए शादी के लिए। तो भाई ये हाँ, देखो ये बच्चे हैं हमारे, ये मेरी औलाद बना है वीडियो इन द रील, और ये तीनों उसके अमीर दोस्त बने हैं। अभी भाई हम लोग को 2 टेक लेने में कम से कम आधा घंटा लग गया। काटा है ये आ गया, ठीक है। बहुत महंगा आता है बेटा वो। मैं नहीं आता, काम करो। दिन रात किसी मुझे आईफोन चाहिए मेरे दोस्त। दिन भर चमाड़ी मजा आ रहा है शूट में, एक नंबर। मेहनत है कि नहीं है, देखो क्या क्या करना पड़ता है, कभी पन्नी बिनना पड़ रहा है, कभी अभी भिखारी का रोल है मेरा, इसके बाद जो रोल है बहुत तगड़ा है। काश हिंदी मीडियम में पढ़ लिया होता तो हिंदी लिखने में दिक्कत नहीं होती इतनी। 50 रुपए दो और अपना गुस्सा निकालो। पहले लिख लेते, अपना गुस्सा निकालो मुझ पे। हाँ मुझ पे निकालो, अब निकालो, यहाँ लिख देंगे। अरे क्या कर रहे हो शहर में? हाँ आगे बड़ी करो, आगे दो गोले बाल बना दो उसके, और स्माइल नीचे खींच दो। स्माइल क्यों रोता है? रोता हुआ निकालना ना। कान 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 कान, टमाटर लग रही है, टमाटर कान कान बोलो, कुछ बोलो बोलो। अरे आज तो ट्रैक्टर चल गया भाई, एक नंबर। अंकल ने, मैंने बोला अंकल मेरे खाली वहां तक छोड़ दो, अंकल ने ट्रैक्टर ही छोड़ मारा, बोले ले जाओ। भाई शूट खत्म, याली एक बार केटीएम चेक आउट करो, ये हमारे आर्यन भाई की है, ये मोटू की साला स्कूल से दोस्त है। और आप मानोगे नहीं, जब हम 9th क्लास में थे तब हम इस गाड़ी से आते थे, इसने आरसी ली थी, उस टाइम हम साइकिल से घूमते थे हम लोग, और साला आरसी से आता था पार्टी, मेरा दोस्त तो भी आरसी लेके इसकी पहुंचता था। अरे निकल ना, चलो गाइस चलते हैं। रील भी मैंने एडिट कर ली और वो तो आपने डाल दी, लिंक नीचे छोड़ दूंगा। बाकी भाई चलते हैं निकिता के पास, देखते हैं क्या लाइन है। और भाई पूछा लगे कहाँ जा रही है? अच्छा काम वाली एंटी नहीं आई आज, इसीलिए आपको क्या करना, पागल है क्या? खाना खा के जा, मेरा पोछा तोड़ेगा क्या? तेरा पोछा उठा के मारूंगी खींच के। खाना खा के जा। नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाएंगे बाबा। अब आप 10 दिन आप जा रही हो ना, आप तो होली पे जाओ, आप खाना खाएंगे नहीं? हम अब खाना खिलाएगी तो वही खिलाएगी, नहीं तो कोई नहीं खिलाएगा। खिलाएगी बस। मैंने क्या किया? तो खाना तो खाना है। नहीं खाना। अब तेरी गर्लफ्रेंड फेल हो गई तो फिर मैं क्या करूं? दोस्तों अगर तुमने अपनी जिंदगी में बदलाव का सपना देखा है तो ये कहानी बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है। सभी जो इंटरेस्टेड है उन्हें मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ जो ना कि सिर्फ यहाँ मशहूर भी है बल्कि अमीर भी है, और हाँ जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे बिल्कुल एक नया तरीका खोजा पैसे कमाने का। उसका नाम आर्यन है, वो एक सफल उद्यमी और व्यापारी भी है। आर्यन की टीम ने गाइस एविएटर गेम में ऑड्स को पेश किए जाने वाले एक विशेष प्रोग्राम को विकसित किया है। ये बात सामने आई है कि वे अपने सब्सक्राइबर के साथ इस सॉफ्टवेयर को वीआईपी चैट में शेयर करता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यह
आखिर कैसे काम करता है। कल पॉजिटिव रिव्यूज देखकर उनसे इम्प्रेस होकर मैंने यहाँ पे एक रिस्क लेने का डिसाइड किया और मैंने 1000 रुपए पर की। अब गाइस यहाँ मेरे अकाउंट में 44,040 रुपए हैं और शुरुआत मैंने यहाँ पे 1000 रुपए से की थी। और मैंने गाइस अपने कार्ड पे हर एक पैसा विड्रॉ किया है, वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर, आप ये देख सकते हो। अगर तुम भी सॉफ्टवेयर लेना चाहते हो तो तुम सिर्फ यहाँ पे मेरे निर्देशों का पालन करो। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करना है, उससे तुम पहुंच जाओगे आर्यन के टेलीग्राम चैनल पर। और ऊपर गाइस हमारे पास गेट सॉफ्टवेयर का बटन है, उस पर क्लिक करो और बोट में प्रवेश करो। बोट में गाइड को सही तरीके से फॉलो करो और एक नया अकाउंट बनाओ। उसके बाद तुम्हें अपने बैलेंस को यहाँ पे 1000 रुपए से भरना होगा, क्योंकि उसी से तुम यहाँ पे खेलोगे। सारे एक्शन पूरे करने के बाद बोट तुम्हें आर्यन की वीआईपी चैट का यहाँ पे अधिकार देगा, जहाँ तुम उसका सॉफ्टवेयर पाओगे। और हाँ, जैसा कि तुमने देखा कि मुझे यहाँ पे आर्यन को कुछ भी भुगतान करना नहीं पड़ा, मुझे भी सॉफ्टवेयर इसी तरीके से मिला है। तो लिंक पर क्लिक करो और सारे स्टेप्स को फॉलो करो, बिल्कुल मुफ्त में सॉफ्टवेयर हासिल करो। ओके गाइस, मिलते हैं आर्यन के टेलीग्राम चैनल में। इसलिए मिलना क्योंकि बहुत निराश है, उस दिन कल रात को बहुत फोन पे रोई है और मैंने मना कर दिया, क्योंकि हेलो तिवारी की लड़की, हेलो, अरे घर के बाहर आजा भाई। अरे यार ये इसका चोचला अलग है यार। वो बेगम आप लगता है गलत गाड़ी में आ गई हैं। निकिता कहाँ? नहीं मैं वही हूँ, ज्यादा वो मत करो। तो एकदम बेगम लग रही है यार। हाँ ठीक है, जैसे मुस्लिम बहने नहीं घूमती शादी के बाद, वैसे घूम रही है तू यार, एकदम बेगम बन गए। शादी हो गई मेरी कल ही। हैं? और क्या? किसके साथ? मुजफ्फर हुसैन के साथ। तो फिर अब मेरे रहना आउट है ना? नहीं, हम मुस्लिम्स में तो दो दो शादी चलती है ना। तो दो शादी करेगी तू? मैं हिंदू हूँ पर मेरे में नहीं चलती, मेरे में एक ही चलती है। नहीं तो तुम्हें तो करना पड़ेगा। तुम्हें शर्म आ रही कि नहीं आ रही है? मैं कुछ बोल रही हूँ बेबी, तो जा। क्या कर रहे हो? देखो तो फोन फोन फोन। ये एक थपाड़ा मेरे को हाथ मत लगाओ। लगाया, फोन क्यों फेंक रही है? फेंका मैंने। मेरा गुस्सा ना घर पे चला, इधर मत चला। खिला नहीं रही है मेरे को, जो गुस्सा करेगी मेरे ऊपर। मैंने पूरा जोर लगा लिया शादी करने के लिए, नहीं करवाया तो मैं क्या करूं? तो मैं टेंशन में हूं। क्यों तू टेस्ट पे फेल हुई? खाना क्यों नहीं बनाया तूने? ढंग का पोछा नहीं मारा, ढंग का झाड़ू नहीं मारा तूने? तुमने खराब किया। मैंने तेरे वो पुलाव में उंगली करी, उसके बाद तूने ढंग का पोछा लगाया? लगाया था, मैंने पूरी एफर्ट डाली अपनी, घंटा डाली। काम आता नहीं, सीख क्या आती घर में काम? तेरी माँ को इतनी शादी करने की पड़ी है तो वो काम सिखा देती कि ऐसे करते हैं शादी। तो काम से होता है क्या? काम से ही होता है घर में। हमारे सिंधी, हम कोई अरबपति की औलाद नहीं है। नीता अंबानी वो मत समझना अपने आप को, तू वो मैं अंबानी की औलाद नहीं हूँ, मिडिल क्लास हूँ। हमारी मम्मियों ने काम किया, तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। वो पिक्चर और यूट्यूब में मत देखा कर के जो हीरोइने घूमती है आधे कपड़े पहन के नंगियों की तरह, वो नहीं होगा इधर। अपन मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास जैसे ही रहना पड़ेगा। और सही कर रही है मम्मी, वो मेरे लिए कर रही है, अपने लिए कर रही है। तू सीखेगी नहीं तो कल को मैं भूखा नंगा मर रहा हूँ तो तू तो बोलेगी भाई के बना मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी, हैं? मैं झाड़ पोछे नहीं लगाऊंगी, मैं पेड़ पोटी साफ नहीं कर, मैं लेटरिंग साफ नहीं करूंगी, मैं बच्चे की पोटी साफ नहीं करूंगी। मम्मी सही कर रही है एकदम, हर माँ को ये करना चाहिए, उनके साथ खड़ा हूं मैं। तो मैं पागल हूं? तेरे को बोला ना मैं पागल हूं क्या? है मेरा मुंडा मत चटकाना अभी, नहीं तो तेरे को अभी अभी हाँ, क्या करोगे फिर? क्या करोगे बताओ, मेरा दिमाग खराब मत कर, हिसाब से रहना। तुम्हें किसको दिखा रहे हो? मुझे दिखा रहे हो कि बेल्ट मारोगे? मार भी दूंगा, मार के दिखाओ। मेरा दिमाग खराब मत करो। तू कर रही है, तुम कर रहे हो, मैं तू कर रही है दिमाग खराब। तुम बोलो ना अपनी मम्मा को। क्या बोला ना? कितनी बार बोला? तो मैं क्या करूं बताओ, क्या करूं मैं? तेरे को 11 महीने पहले घर पे रखा ना, जब तू भाग के आई, तूने तेजी कराई ना अपनी, तूने इमेज बनाई मम्मी के सामने, अच्छी नहीं बनाई ना। देखो झेल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है।
फिर मेरे पास वापस कर लेता ना डॉली को, चूज कर लेते ना उसको ही। क्यों आए निकिता निकिता करके? मैंने बोला था आने को, नहीं करते ना चूस, चली जाती, खत्म हो जाता उस दिन किस्सा। पनौती साली तुम, तू पनौती, तुम चुड़ैल। जब से मैं जीवन में आई झंड कर रखी तूने मेरी जिंदगी, तुम राक्षस। मत करो मेरे बाल खराब। अरे यार मत करो मेरे बाल डैमेज हो जाते। जो महंगे महंगे शैम्पू लगा रही ना उसको मुझे पता नहीं के कुछ नहीं तुम्हारा। हाँ ये सब जो है ना समुद्रानी ने जलाया है। ये मेरी मौसी ने गिफ्ट क्या कुर्ता मुझे, मौसी को मैंने ही दिलाया था ठीक है। बाल खराब जा भैया तू, तेरे से शादी नहीं करूंगा। मेरे बाल खराब करता हमेशा। अब तेरे से शादी नहीं करूंगा, चाहे तेरी मम्मी चाहे मेरी मम्मी माने या नहीं माने। हाँ तेरे शादी ये ना उठ के निकलने वाली हरकत है मत किया कर। करूंगी मैं, हाँ 100 बार करूंगी। तेरे शादी करना ही नहीं है मेरे को, अब जा। तुमने मेरे बाल खराब कर दिए पागल जैसे, पंखा दे। गाइस अच्छा हुआ मेरी मम्मी नहीं मानी, नहीं बिल्कुल नहीं मानना। फिर वही बाय बेबी, तेरे पे तो अब गाड़ी चढ़ा। हाँ लगा जा तेरे पे गाड़ी चढ़ाऊंगा आज, रुक तेरी ऐसी तेजी को बताता हूँ आज मैं। ये ज्यादा इसमें वो है ना, जा रुक, गाड़ी चढ़ा दी आज मैंने इसमें। जा तेरी तो चढ़ा दूंगा बेटा गाड़ी। चढ़ा दो ना गाड़ी। अंधेरा शादी तेरे को बोला है ना, तेरे को शादी तेरे माँ को करवानी है ना तो तू किसी और से कर ले, मेरे पास कोई लाइन नहीं है ना। शादी साला ये करो वो करो, शादी एक साल से पीछे पड़ी हुई है। चलो तो मेकअप कर लेना ठीक है। हाँ मैं तो तुझे सब क्या ना, मैंने यार मैं करा, मैंने पुलाव बनाया, तुमने उसमें गू कर दिया पुलाव ठीक है। झाड़ू लगाया, झाड़ू में तुमने कचरा फैलाया, पोछा लगाया। तुम ही नहीं चाहते शायद मैं अच्छे बनू, हाँ तुम ही नहीं चाहते हो शायद। मैं पागल हूँ क्या, मैं कोई खिलौना हूँ? तू बोजा मत बोल। और जब ये दोस्तों याद दिलाता हूँ अपने इस मौके को ना गवाओ, आर्यन के अनोखे सॉफ्टवेयर को फ्री में हासिल करने का। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करो और बॉट की दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, उसके सॉफ्टवेयर को टेलीग्राम चैनल में पालो और रोजाना अपने बैलेंस को बढ़ाओ 5 से 10 गुना। अभी कदम उठाओ, गुड लक फ्रेंड्स। सिचुएशन तुम पे बीतेगी ना, तुम्हारे बच्चे होंगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कैसी सिचुएशन होती है। लड़की जब होगी ना, लड़की जात, तब तुम्हें पता चलेगा। अबे तेरे चुप रह। जो मत चिल्लाओ ठीक है ना। सो जाओ, मत कर, मेरा दिमाग खराब मत कर। तू बोझा है ना, तेरे को शादी करना है ना, तेरे को शादी करना है ना, चल भेस की पूछ तेरी, तेरे को शादी करना है ना। हाँ। चल अब तू चल दे तेरी। क्या घूर रहा है बे, क्या घूर रहा है, चला यहाँ से हट, क्या हो गया, जा उधर। क्यों तुम फंसते हो यार, तब काट बैठ। अब तू तो को शादी करना है ना, चटकी आत्मा है। अब देखता हूँ ना अब तू कितना साथ देती, तेरे को शादी करना है ना, चल। तेरा पैन कार्ड, तेरा आधार कार्ड, और हाँ 2 गवाह तेरे 2 गवाह मेरे, और हाँ
तेरे को दुल्हन के कपड़े अरेंज करने पड़ेंगे। अगर तुम वहाँ पीछे हटो तो तुम सबसे बड़े धोखेबाज होगे। भाड़ में गई मम्मी, भाड़ में गई इसकी मम्मी, भाड़ में गए मेरे पापा, भाड़ में गए इसके पापा, भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गया समाज, भाड़ में गए सब।